सब्सक्राइब करें अगरबत्ती की सारी जानकारी लेने के लिए, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप कोई वीडियो मिस ना कर पाएं। तो गाइस चलिए आप सभी को सेंटेड अगरबत्ती करने का प्रोसेस मैं आप सभी को दिखाता हूँ। तो अभी मैं परफ्यूम डाइल्यूशन करूंगा, इसके बाद डिपिंग करूंगा, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा ताकि कोई टॉपिक आपसे छूटे नहीं। तो फ्रेंड चलिए, जैसे कि देख सकते हैं हमारा हाफ केजी का परफ्यूम है ये गुलाब स्पेशल, आपको ये प्रीमियम क्वालिटी आपको देवा परफ्यूमरी का परफ्यूम है। ये मैं दो परफ्यूम इसमें डाइल्यूशन करूंगा, एक गुलाब का हो गया और एक ये बाहुबली नोट है, ये ड्रेकन नोट टाइप का ये आपको है। तो चलिए मैं पहले आपको इस तरह का आपको बर्तन लेना है, ठीक है ना, आप इस तरह का भी ले सकते हैं, किसी आप कैन भी ले सकते हैं। तो मैं ये छोटा बाल्टी मैंने रखा वो लिया है, इसका वजन मैंने माइनस कर लिया, जैसे जीरो आप देख सकते हैं। परफ्यूम यूज करने से पहले आप जो परफ्यूम की बॉटल है उसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लें। तो पहले आपको ये करना, अच्छे तरीके से इसको मिक्स करना आपको है परफ्यूम को, अच्छे से बॉटल को हिला के। उसका ये हाफ किलो परफ्यूम को टोटल मैं इसमें निकाल लेता हूँ। खुशबू इसकी बहुत अच्छी आ रही गुलाब स्पेशल, ये प्रीमियम क्वालिटी आपको, ये नेचुरल रोज की देसी गुलाब की जो खुशबू होती है इसकी खुशबू इसमें आएगी। और ये हाई डाइल्यूशन, इसको आप 1.4-1.5 इजिली ले जा सकते हैं। अगर आपको परफ्यूम का रिक्वायरमेंट होगा दिए गए नंबर पर डायरेक्ट आप परफ्यूम परचेज कर सकते हैं, और डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर से डायरेक्ट कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। ये हाफ किलो का, तो ये भी हाफ किलो का हमारा पैकिंग है गुलाब, ये भी गुलाब आपको है। तो इसको भी अच्छे से पहले हिला लेते हैं हम लोग हैं। अच्छे रिजल्ट का आपको ये सब ध्यान रखना होगा, अगर आप अच्छे क्वालिटी का अगरबत्ती बनाना चाहते हैं तो ये छोटी छोटी चीज सभी चीज़ का आपको ध्यान रखना होगा। तो क्या जैसे ये देख सकते हो हमारा ये 1 kg परफ्यूम हो गया है, ये 1 kg 12 g जिसे हमारा निकल गया है। ये हमारा 1.4 का डाइल्यूशन है, मैं इसमें 1.4 का डाइल्यूशन मैं आप सभी को बताऊंगा। तो ये हमारा परफ्यूम हो गया, परफ्यूम के बाद डीपी मिक्स किया जाता है, ये सॉल्वेंट होता है। 1 kg परफ्यूम में हमारा डाइल्यूशन रेशियो है 1:4, तो इसको मैं पहले माइनस कर लेता हूँ। ये 1 kg हो गया, जैसे देख सकते हैं अभी 0.4 kg मुझे लेना है। इसे 200 ग्राम हमारा और बची है, 50 ग्राम ऊपर नीचे ये चलता है। जैसे ये 4 kg 60 ग्राम है, तो 60-100 ग्राम तक, 150 ग्राम तक कोई उससे कुछ मतलब नहीं। जो आपको एक्स्ट्रा इसमें डीपी है ना वो बर्तन में रख लेना आपको है। कोशिश करना डीपी ऑयल जो है इसके अंदर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि डीपी ऑयल जो होता है ना वो इस तरह के मटेरियल जो उसको खराब कर देता है। तो ये हमारा जैसे 1.4 का ये डाइल्यूशन हो गया, इसमें 1 kg परफ्यूम है और 4 kg डीपी ऑयल, इसमें 1 kg परफ्यूम है 4 kg डीपी ऑयल है। और आप सभी को मैं सजेस्ट करूँगा आप कैन में ही करें, क्योंकि मैं आप सभी को भी सैंपल को तो भी दिखा रहा हूँ, इसलिए मैं आपको डायरेक्ट करके दिखाऊंगा, ठीक है ना। आप सभी कैन में करें और कैन को अच्छे से पहले हिला लें, मतलब मान लीजिए आपका ये कैन है, इसको अच्छे से आपको हिलाना है ताकि डीपी जो है परफ्यूम अच्छे से मिक्स हो जाए। तो मैं आप सभी को अभी डिपिंग करके मैं दिखाऊंगा, इसलिए मैं कैन में करके नहीं दिखा रहा हूँ, ये बाल्टी में ही करके दिखा रहा हूँ। और आप चाहें तो 4 घंटे से छोड़ सकते हैं, नहीं तो आप इंस्टेंट यूज भी कर सकते हैं। अगर आप अच्छे से परफ्यूम को मिक्स कर देंगे हिला के, अच्छे से 2-3 मिनट अच्छे से हिला के करिएगा ना, तब आपको रखने का ज़रूरत नहीं है। रखने पर होता 2-3% का आपको अच्छा रिजल्ट आता है, तो उतना से कोई मतलब नहीं। आप चाहे तो इंस्टेंट यूज भी कर सकते हैं, अगर अच्छे से उसको मिक्स कर सकते हैं। तो चलिए मैं 2-3 मिनट पहले मिक्स कर लेता हूँ, वीडियो को यहाँ पॉज कर देता हूँ, इसके बाद मैं आपको डिपिंग प्रोसेस पे फिर मिलूंगा मैं आपसे। पहले इसको एक साइड सीधा हिलाना है, फिर इसको उल्टा करना है ताकि परफ्यूम अच्छे से मिक्स। तो परफ्यूम का कलर आप देख सकते हैं कितना अच्छा कलर इसका आपको, ये हाई डिल्यूशन इसका। अगर मैं इसको 1.7 तक भी ले जाऊँ ना, 1.6 तक भी ले जाऊँ ना, तो बहुत अच्छी इसमें रिजल्ट आएगी। तो हमारा लमसम यह हो गया है, 4-5 मिनट हमारा हो गया है। तो चलिए मैं डिपिंग प्रोसेस को आपको लेके चलते हैं।
ये रॉ अगरबत्ती भी निकाला जा रहा है, इसका मैं आप सभी को डीपिंग प्रोसेस में दिखाऊंगा। तो गाइस ये जैसे हमारा ये रॉ अगरबत्ती आप देख सकते हैं 8 इंच साइज का मैं अभी डीपिंग करने वाला हूँ। इसका डीपिंग रेशियो लगभग समझिए 300 ग्राम, 280 से 300 ग्राम का ये रेशियो आपको लेता है, एब्जॉर्ब करता है। 1 किलो परफ्यूम में 280 ग्राम ये परफ्यूम लेता है 1 किलो अगरबत्ती में। तो ये रॉ अगरबत्ती हमारे निकल रहा है और भी निकल रहा है हमारे, तो एक साथ पूरे निकल जाता है, तो उसके बाद में आप सभी को दिखाऊंगा। जैसे आप देख रहे हैं इतना बड़ा बंडल है, तो इसको बंडल को भी छोटा किया जाएगा, क्योंकि इतना बड़ा बंडल में ना परफ्यूम अच्छे से एब्जॉर्ब अंदर तक नहीं होगा, बीच के अगरबत्ती में नहीं जाएगा। तो इतनी बड़ी बड़ी अगर आपकी बंडल है ना, इसको थोड़ा छोटा कर ले, 1/2 kg का जो साइज होता है ना उस साइज में आप सभी को करें, ताकि परफ्यूम अच्छे से सभी बत्ती में जाए। नहीं तो इतना बड़ा बड़ा साइज का बंडल होगा ना, तो हो सकता है ऊपर के बत्ती में परफ्यूम अच्छे से एब्जॉर्ब करेगा, लेकिन अंदर का जो बत्ती है ना यहाँ तक वो जाएगा नहीं। तो इसको छोटा करके रखना आपको। तो फ्रेंड आप सभी को अच्छे से 4 से 5 मिनट अच्छे से परफ्यूम और डीपी का जो मिक्सचर है उसको अच्छे से हिलाना है। एक साइड पहले आपको ऐसे आगे से हिलाना है, फिर आपको पीछे से ऐसे, मतलब दोनों साइड से हिलाना है, एक बार इधर से करना और एक बार इधर से करना, ताकि अच्छे से डीपी वाल जो है ना परफ्यूम में मिल जाए। और आप सभी कोशिश करें कैन का इस्तेमाल करें। मान लीजिए जैसे मैंने बताया कैन है, तो कैन को आप ऐसे हिलाएगा तो अच्छे से हिलेगा, ऐसे हिलाएगा कैन को तो अच्छे से हिलेगा, तो आप कैन में ही करें। तो ये हमारा रॉ अगरबत्ती रेडी है डीपिंग के लिए। आप सभी को ये जो पीछे वाला जो भाग है ना, जहाँ से बाम्बू स्टिक दिखता है, आपको इधर से पकड़ना है, और ये जो हमारा परफ्यूम और डीपी का जो मिक्सचर, उसमें धीरे धीरे डुबाना है। जैसे आप देख सकते हो, तो बहुत स्लो स्लो डुबाना है, ताकि परफ्यूम जो है अच्छे से अगरबत्ती में चारों तरफ पहुँच जाए। कुछ सेकेंड आप सभी को होल्ड करना है, और आप सभी को फिर इसमें से निकाल लेना है। तो थोड़ी देर रखना, ताकि जितना भी परफ्यूम एक्स्ट्रा अगरबत्ती में रखा है ना वो सब बाहर निकल जाए। तो फिर लास्ट में आपको ऐसे हिला के ना इसको इससे खड़ा करके यहाँ रखना है। आपको खड़ा ये जो ब्लैक वाला भाग है इसको ऊपर खड़ा रखना है, ताकि जो भी परफ्यूम ऊपर में लगा है ना वो आप सभी को सड़क के नीचे तक आ जाए और अच्छे से अगरबत्ती में मिक्स हो जाए परफ्यूम। तो चलिए मैं आप सभी को और भी दिखाता हूँ डिपिंग करके ऐसे। तो ये हमारा गुलाब का परफ्यूम डिपिंग हुआ है। तो ऐसे जैसे पूरा बाम्बू को डुबाना नहीं, आपको ब्लैक भाग ही तक करना है। बाम्बू डुबाने से होता है कि परफ्यूम आपको ज़्यादा एक्स्ट्रा एब्जॉर्ब कर लेगा बाम्बू भी। तो आपको थोड़ा उठा के ऊपर होल्ड करना है, ताकि जो भी एक्स्ट्रा परफ्यूम हो नीचे आपके बकेट में आ जाए। और फिर लास्ट में दो से तीन सेकंड तक आपको ऐसे हिलाना है, ताकि जो भी परफ्यूम एक्स्ट्रा वो भी नीचे निकल जाए। और वैसे आपको खड़ा करके रखना है। तो आप ये इस तरह का एक ट्रे बनवा लीजिए, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। जैसे आप देख सकते हैं, इससे पहले भी हमारा डीपिंग हुआ था, इसमें से कुछ परफ्यूम यहाँ पे इसमें गिरा हुआ है। इससे पहले हमारा लिली का परफ्यूम डीपिंग हुआ था। तो आप सभी देख सकते हैं कितना इजी प्रोसेस आप सभी को इस वीडियो में मैंने आप सभी को डाइल्यूशन बताया, डाइल्यूशन कैसे कर सकते हैं ये देख सकते हैं कि जब परफ्यूम एब्जॉर्ब करेगा ना बत्ती में, इस तरह का ये बुलबुला छोड़ेगा। जैसे बुलबुला आप सभी देख सकते हैं, ये बुलबुला आप सभी को अगर बत्ती में निकलेगा, ज़्यादा देर तक भी आपको डुबा के नहीं रखना है, 4 से 5 सेकंड मैक्सिमम होगा। फिर आपको ऐसे खड़ा करके रखना है। तो फ्रेंड्स यही प्रोसेस है जिसमें मैंने आपको बताया, डिपिंग का बताया मैंने और डाइल्यूशन का बताया। तो फिर अगर आप सभी को वीडियो हमारा पसंद है, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। और आप सभी का बहुत मैसेज सर प्रीमियम क्वालिटी परफ्यूम के बारे में बताया, तो आप यहाँ से डायरेक्ट परचेज कर सकते हैं। आपको देवा परफ्यूमरी का परफ्यूम है, ये प्रीमियम क्वालिटी परफ्यूम है। अभी हमारे 400 प्लस कस्टमर है जो हमारा ये परफ्यूम यूज कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। चैनल पर नया आया तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो अगर जैसे आप मान लीजिए जो आप डिपिंग करते हैं, डिपिंग के बाद जो परफ्यूम लास्ट में बचता है ना, जैसे कितना कम बचा आप देख सकते हैं, बहुत कम बचा है। तो आपको ये झुका के आपको ऐसे डिपिंग करना है, झुका के डिपिंग थोड़ा देर तक करना है, ताकि परफ्यूम बीच में भी जा सके। अच्छे से झुकाना है, ठीक है ना। पहले आपको अच्छे से हिला हिला के देखना आपको, और बीच से कुछ बत्ती निकालना है, बीच से किसी बीच से आपको देखना है कि बत्ती देखिए यहाँ तक डिपिंग हुआ, यहाँ तक डिपिंग नहीं हुआ, तो आपको यहाँ तक डिपिंग करना है। तो थोड़ा और झुका के आप सभी को करना है। तो गाइस जैसे देख सकते हैं आधा तक आपको आया है, तो आपको पूरा डिपिंग आपको करना है। उल्टा
पंखे उल्टा लगा होता है। देख सकते हैं आपको पूरा यहाँ तक अभी आ गया है डीपिंग में, तो आप सभी कैसे झुका के लास्ट में जो है ना झुका के करना है। अपने नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, थैंक यू सो मच।